चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का एक सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 270 है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। बच्चों जब बात आपके पास सिक्कों की संख्या का क्वेश्चन की आती है तो बेसिकली एग्जामिनर आपके पास जो क्वेश्चन है आपको अनुपात दे देता है सिक्कों की संख्या का और जो मान गिवन होता है वो मूल्य का गिवन होता है। एक ये सिचुएशन बनती है और दूसरी सिचुएशन कभी कभी ऐसा आता है कि मान आपके पास संख्या का आ रखा होता है और जो अनुपात है वो आपके पास मूल्य का आ रखा होता है। दोनों स्थिति में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को करेंगे उसको हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या का रेशियो वो 5:6:8 है। ठीक है, यहां पर ये संख्या का रेशियो दे रखा है, सिक्कों की जो अनुपात है 5:6:8। यदि कुल राशि आपके पास जो मूल्य है वो आपके पास कितना है, 270 है, वो गिवन है आपके पास। अब मैं यहां से एक चीज देखता हूं कि मेरे पास 1 रुपये का 5 सिक्के हैं तो मेरे पास रुपए कितने बने, तो मैं कहूंगा सर 5 रुपए बने। 1 रुपये के 5 सिक्के तो मेरे पास 5 रुपए बने। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे से जब 2 सिक्के हम लेते हैं तो हमारे पास 1 रुपये बनता है, तो 6 सिक्के हैं तो यहाँ से 3 रुपये बने। और 25 पैसे से 8 सिक्के हैं तो हमारे पास ये 2 रुपये बनेंगे, क्योंकि जब 4 सिक्के हम लेते हैं 25 पैसे के तो 1 रुपये बनता है, 8 सिक्के हैं तो हमारे पास 2 रुपये बना। तो इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये रेशियो की फॉर्मेट में इसको हम देखते हैं तो 5:3:2 ये सब टोटल जो उसका मूल्य है थैले का जिसमें उसमें पैसे हैं उसको बना रहा है। तो 5 और 3 8 और 2 कितना हुआ बच्चों, 10। 10 रेशियो किसके बराबर हुआ, 270 के। 1 रेशियो का मान आपके पास सिंपल सा कितना हुआ, 27। अब जब आपके पास 1 रेशियो का मान आ चुका है तो आपसे पूछा क्या गया है उस पर फोकस कीजिए। हमसे सर ये पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, बच्चों आप सिंपल सा कहेंगे कि कितने रेशियो में है, 8 रेशियो में है। तो सर 8 रेशियो में है तो 8 × 27 कर लीजिए, 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 5, 8 × 2 = 16 और 5 आपके पास 21 हो जाएगा, 216। मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 216। अगर आपसे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछा होता कुल तो आप 2 × कितना करते, 27 × 2 करते 54 आता। आप यहां से 4 का भाग लगा के देख सकते हैं, अगर 216 में 4 का भाग लगेंगे 5 × 20 पीछे 1 और 6 = 4 × 16 होता, 54 डेफिनेटली आता। तो यहां से इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा 216। यदि हम इसके विपरीत क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन आपके सामने एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है 8:5:3 है। यदि कुल सिक्कों की जो संख्या है वो आपके पास 2400 है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। आप यहां से एक सिंपल सी बात देखिए कि अगर आपके पास सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के तो गिवन क्या है, मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो जो मूल्य है उसका रेशियो दे रखा है आपको कितना, 8:5:3। तो अगर मैं कहता हूं यहां से संख्या कितनी रहेगी, मेरे पास 1 रुपये से 8 रुपये बन रहे हैं तो मैं कहूंगा सर सिक्कों की संख्या 8 रेशियो में होगी, 8s लिख देता हूं, 8 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 50 पैसे से 5 रुपये बन रहे हैं, 50 पैसे से 5 रुपये बन रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास 10 सिक्के होंगे, तब ये पॉसिबल होगा, राइट है, क्योंकि जब 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये बनता है। तो आपके पास 5 रुपये बन रहे हैं तो 10 सिक्के होने चाहिए। आपके पास 3 रुपये बन रहे हैं तो यहां पर 12 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि जब 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के तो 1 रुपये बनता है, तो यहां पर 3 रुपये बन रहे हैं। अब यहां से ये जो टोटल सिक्कों की संख्या है वो कितनी गिवन है आपको, वो आपको गिवन है 2400। तो आप 8 सिक्के + 10 सिक्के + 12 सिक्के इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 2400 के बराबर रहने वाला है। 8 और 10 आपके पास 18 हो गया, और 18 और 12 अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 30s रहा, ठीक है, 30 सिक्के, क्योंकि एक रेशियो के रूप में हम इसे कंसिडर करेंगे तो एशियो जो एस का मान रहेगा वो 2400/30, 0 0 कट गया, 3 × 8 = 80। एस का मान, या मैं कहूँ रेशियो का मान, अनुपात का मान
वो आपके पास कितना है, 80 है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर फोकस कीजिए। आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 12 एस है, तो 12 इंटू एस का मान कितना है 80, 12 आटे 96, 960 आपके पास सिक्के होंगे। अगर आप 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे 960 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये था बच्चों अनुपात समानुपात का एक छोटा सा वीडियो, होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट और कुछ और शानदार ट्रिक्स को देखना है, समझना है, तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप और अपनी तैयारी में 4 नहीं 1000 नहीं 1,00,000 करोड़ चांद लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बच्चों बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।